री टेंडरिंग घोटाले में पांच विभागों के अधिकारियों और तत्कालीन जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जल निगम, लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, रोड डेवलपमेंट, जल संसाधन विभाग में टेंडर में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इस घोटाले में सात कंपनियों पर फर्जीवाड़ा करके टेंडर लेने के आरोप हैं। एफआईआर में लिखा है कि अज्ञात नौकरशाह और राजनेता के खिलाफ आरोप हैं। उल्लेखनीय है कि पीएचई, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग के टेंडर में छेड़छाड़ हुई थी, उसके बाद यह मामला सुर्खियों में आया था। ये 900 करोड़ के ई टेंडरिंग में हुई गड़बड़ी का मामला है। बड़ौदा, माधव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बड़ौदा और मैक्स मेंटेना माइक्रो जेवी हैदराबाद, इस प्रकार ये सात कंपनियां जो हैं, इनके डायरेक्टर्स और मार्केटिंग रिप्रेजेंट करने वाले ऑफिशियल्स ये एक्यूज्ड हैं। और हमारी जो प्रशासकीय स्वीकृति और जो फाइनेंशियल सैंक्शन वगैरह देने वाले हमारे डिपार्टमेंट्स के तत्कालीन जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस रहे हैं ये भी इसमें एक्यूज्ड हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के नाम सर? नहीं, अभी नाम किसी का नहीं खोला गया। ये इन्वेस्टिगेशन में आगे जैसे जैसे एविडेंस सामने आएगी तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कितने का लगभग ये सर गड़बड़ी थी या जो